गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने बनाया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। पार्ट टू पर हम आज बात करेंगे और पार्ट टू में हमने लिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण के बाद हमने लिया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक उपयोगिता क्या है। एक शिक्षक उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे उपयोगिता के रूप में काम में ले सकता है। चलिए कहाँ कहाँ पर एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत उपयोगिता लाभकारी हो सकती है जिसका वो अच्छे शिक्षण में, आकर्षक शिक्षण में, प्रभावशाली शिक्षण में काम ले सकता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व में छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। आप देखिए कहाँ पर काम में लेता है। देखिए प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं परंपरागत शिक्षण विधि के अनुसार हम सभी बालकों को बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, मतलब सबकी मानसिक योग्यता हमें मालूम नहीं होती लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी प्रकार से परंपरागत विधि जो है, क्लासिकल मेथड जो है, उस क्लासिकल मेथड के अनुसार कक्षा में छात्रों का वर्गीकरण कर देते हैं। कई स्कूलों में देखोगे आप लड़कियों को अलग बिठाते हैं, लड़कों को अलग बिठाते हैं। कहीं स्कूल्स में आप कहीं पर देखेंगे सब अपना अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर होता है पाँचवीं तक को एजुकेशन होती है, छठी के बाद दूसरे तरफ बच्चे चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों का स्टार ग्रुप अलग कर दिया, स्टार फैकल्टी उसे पढ़ाती है, क्रीम बच्चा अलग कर दिया, मतलब प्रतिभाशाली, एवरेज, बिलो एवरेज, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, ऐसे हमने अलग अलग बच्चे बांट दिए। तो परंपरागत विधि से कक्षा कक्ष में यदि छात्रों का वर्गीकरण किया जाए तो ये उनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी रहते हैं वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अनेक भिन्नताओं को अपने साथ में रखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनमें होती हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें कक्षा में छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए और परंपरागत विधि को नहीं अपनाना चाहिए। चलिए एक यूएसए का एक कोड देखते हैं कि यूएसए में किस तरह से पढ़ाई होती है या कक्षा अध्ययन किस तरह से होता है। देखेंगे वहाँ पर यूएसए की बात करें तो यूएसए में उम्र जो 9 साल तक होती है, मतलब 9 साल तक की आयु के बच्चे को, तो आप देखेंगे इसमें आयु आधार है, आयु के आधार पर आपको क्लास में बैठाया गया है कि 9 साल तक का बच्चा है। 9 से 13 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी रुचियों का परीक्षण किया जाता है। रुचियां देखकर समान रुचि वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षा कक्ष बनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम 13 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की, जो 13 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे हैं उनको उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर कक्षा में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए कितना अच्छा तरीका है। अब ये देखेंगे, हमने पूर्व में भी बात की थी मानसिक योग्यताओं को चेक करने के लिए, रुचियों को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रमाणीकृत उपकरण हैं, परीक्षण हैं, उन परीक्षण के द्वारा हम बच्चे की मानसिक योग्यताओं को, उसकी रुचियों को जान सकते हैं। तो हम परंपरागत विधि ना अपना कर यदि प्रमाणीकृत हमारे पास जो उपकरण हैं वो डालकर मानसिक आयु के अनुसार, रुचियों के अनुसार, क्षमता के अनुसार, अभियोग्यताओं के अनुसार, शारीरिक विभिन्नताओं के अनुसार, मानसिक विभिन्नताओं के अनुसार, संवेगात्मक विभिन्नताओं के अनुसार यदि कक्षा कक्ष में छात्रों का वर्गीकरण करते हैं तो शिक्षण बहुत अधिक प्रभावी होगा। छात्र के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, एक शिक्षक के लिए भी उसका शिक्षण कार्य अच्छा बन जाएगा, रुचिकर बन जाएगा, प्रभावी बन जाएगा, क्योंकि एक समान ग्रुप बैठा हुआ है जो आपकी बात को समझता है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट को लेकर, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। देखिए कहते परंपरागत तरीके से कक्षा कक्ष में हर एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी को, जो अपने अंदर बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं लेकर बैठा है, प्रत्येक बच्चा अपने साथ व्यक्तिगत विभिन्नता लेकर बैठा है, लेकिन हम उसको एक साथ पढ़ाते हैं, समूह में पढ़ाते हैं। क्लास में 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं हम एक साथ पढ़ाते हैं। एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक टीचर होता है, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक साइंस का, ऐसे, और एक ही तरीके से वो लेसन को डिलीवर करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम सामूहिक शिक्षण कहते हैं तो ये बच्चे के विकास को अवरुद्ध करने का हम काम करते हैं, हमें व्यक्तिगत शिक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो जब हम व्यक्तिगत शिक्षण की बात करते हैं तो हमें याद आती है डॉल्टन पद्धति और विनेटे का पद्धति। ये दो पद्धतियां जो हैं ये व्यक्तिगत शिक्षण के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है।
तो व्यक्तिगत शिक्षण कौन कौन सी विधियों के माध्यम से कराया जा सकता है, इस बात का एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए, इन विधियों का उसे उपयोग करना चाहिए। फिर देखेंगे, हम बात करेंगे तीसरे बिंदु की, कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब रेशो क्या होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं 20 पर 1, करीबन कक्षा कक्ष में 20 बच्चे होने चाहिए, मतलब 20 बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 20 बच्चे होने चाहिए। कक्षा का आकार लघु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से सब पर ध्यान दे सके, उनकी संवेगात्मक समस्याओं को देख सके, उनकी मानसिक योग्यताओं को परख सके, उनके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनसे उनको परिचित करा सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत महत्व है। फिर आप देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन की, कि शिक्षण पद्धतियों में एक शिक्षक को परिवर्तन करना चाहिए। क्या परिवर्तन करना चाहिए शिक्षण पद्धतियों में, तो हम कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, जो मनोवैज्ञानिक मेथड है, लोकतांत्रिक विधि है, उसके अनुसार हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षण विधियाँ, भाई आप कोई सा भी टीचिंग मेथड इस्तेमाल करें, पर बस शर्त यह है कि एक काम होना चाहिए। अब वो काम क्या होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो भी शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, तो जो शिक्षण विधियाँ हैं वो गतिशील होनी चाहिए, क्रियात्मक होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। जब मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ होगी तो आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छी तरीके से बालक पर प्रभाव पड़ेगा। फिर चलिए हम बात करते हैं आगे कि और कौन सा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो कह रहे हैं गृह कार्य की नवीन धारणा। क्या है गृह कार्य की नवीन धारणा, तो हम ये कह रहे हैं कि गृह कार्य जो है अब कक्षा कक्ष में परंपरागत टीचिंग मेथड में या परंपरागत विधियों के माध्यम से, हमेशा ऐसा होता है कि शिक्षक पाठ पढ़ाता है कक्षा कक्ष में 20, 30, 40 जितने भी स्टूडेंट होते हैं, और एक ही तरह का गृह कार्य देकर, मतलब सामान्य, उस क्लास में प्रतिभाशाली बालक भी है, जड़ बुद्धि भी है, एवरेज भी है, अबो एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, तो आप देखेंगे ये इतना सारा विभिन्नता को लेकर, ये तो मोटी मोटी बातें बताई जा रही है, मतलब मुख्य मुख्य स्वरूप बताए, इतनी सारी व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर जब बालक कक्षा कक्ष में बैठा है, जाते हुए एक सामान्य जो सबको दिया है, मतलब एक जैसा गृह कार्य दे के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक योग्यताओं के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, उसके मानसिक विकास के संभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कोई बालक है जो कुपोषित है तो उसे पढ़ाने में क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक देना चाहिए, विश्राम के समय निश्चित करने चाहिए। प्रतिभाशाली बालक है तो उसको कौन से मेथड से, आगमन विधि के से पढ़ाना चाहिए। एवरेज वाला बच्चा है तो उसके लिए उसकी शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको वैसा गृह कार्य देना चाहिए। थोड़ा प्रतिभाशाली बालक है तो थोड़ा कठिन स्तर का देना चाहिए। एवरेज वाला है तो सामान्य उसको देना चाहिए। कुपोषित बालक है, शारीरिक विकलांग बालक है या शारीरिक दुर्बल बालक है तो उसको उसी प्रकार से हमें शिक्षण के लिए जैसा हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब से उसको होमवर्क देना चाहिए। एक सामान्य गृह कार्य देने की जो परंपरागत विधि है वो बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है और समाज के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का फायदा उठाते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो जब बच्चों की रुचियों के अनुसार कार्य होगा तो आप देखेंगे इससे देश और समाज भी लाभान्वित होंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे, बालकों में विशेष रुचियों का विकास। प्रत्येक बालक की अपनी रुचि होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर क्षमताएँ होती है, अभियोग्यताएँ होती हैं, बहुत सारे भेद होते हैं, रुचियाँ होती हैं, तो हमें उन रुचियों को, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बालकों की रुचियों को जानकर उनकी रुचियों को विकसित करने का समय देता है, मौका देता है उनको, या उन्हें उनकी रुचियों को विकसित करने के लिए क्या करता है, समय, कोशिश करता है कि अरे भाई बहुत अच्छा, ये और थोड़ा सा प्रयास करो, और थोड़ा सा प्रयास करो, तो आप देखेंगे रुचियाँ क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं। यदि रुचियों को ध्यान में रखकर भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो समाज हित होता है, समाज का वो एक उपयोगी उपादेय सदस्य बनकर समाज के सामने आता है। फिर देखेंगे हम बात करेंगे यहाँ पर लिंग भेद के अनुसार शिक्षा की, तो लिंग भेद के अनुसार शिक्षा जो है उसको हम ये बोलते हैं कि देखो मेल और फीमेल,
जब हम बात किशोर और किशोरियों की करते हैं, जब हम बात लड़का और लड़की की करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए लड़का और लड़की दोनों में शारीरिक विभिन्नता है। फिर उसके बाद देखेंगे शारीरिक विभिन्नताओं के बाद क्षमताएं अलग अलग है। किसी के पास शारीरिक सामर्थ्य अलग है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है। आप इतनी सारी विभिन्नता है, रुचियों में भी अंतर होता है, क्षमताओं में भी अंतर होता है, मानसिक योग्यताओं में भी अंतर होता है। तो इतना सारा अंतर होते हुए हमें क्या करना चाहिए, ये जो लिंग भेद है उसके अनुसार हमें शिक्षण करवाना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो है हमें उसके अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए। तो एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं में लिंग भेद का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले के जो पॉइंट बचे हमारे थोड़े से उन पर हम डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से समझें और अच्छे शिक्षक होने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल कॉलेज है बीएड डीएलएड वाला, आप सभी प्रशिक्षणार्थी आगे चलकर कभी ना कभी सरकारी निजी कहीं भी बच्चों के सामने खड़े होने वाले हैं, और जो बच्चा होगा कक्षा में वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लिए हुए होगा। तो एक अच्छे शिक्षक को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उपयोग करे और शिक्षण को प्रभावी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।